हाँ जी बेटा जी, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 19, ए पार्ट डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन से, डीसीओ से। अब कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, ठीक है जी। व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर डिसकॉन्टिन्यूइंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। काफी जो थ्रेटिकल पार्ट है इसका वो इस क्वेश्चन में कवर हो जाता है, और अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस अच्छा है था, और अगर आपको आता है तो 5 नंबर इसके जरूर होंगे। आओ सर देखिए, सर ये हमें थोड़ा सा बताया गया था कि डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन क्या होता है, कि जैसे हमारी एक सेगमेंट है, एक लाइन ऑफ बिजनेस है जिसे हम बंद करने जा रहे हैं, तो ये AS 24 ये कहता है कि भाई जब IDE हो जाएगी, आईडी क्या थी, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, तो बंद करने का प्लान जिस तरह अप्रूव हो गया, कार्रवाई शुरू हो गई है, तो हमें अपने स्टेक होल्डर्स को बारे में बताना होता है। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट भी दिखाता है कि डिसकॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से P&L में भी फायदा नुकसान अलग से बताएं। ये सवाल सिर्फ इतना पूछता है कि वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन क्या होता है, और उसके बारे में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है। डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, अ डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, कहता है ये हमारे एंटरप्राइज का एक कॉम्पोनेंट है, दैट द एंटरप्राइज पर्स्यूइंग टू अ सिंगल प्लान। अब 3 तरीके बताएगा उसके पीछा छुड़ाने के। दैट एंटरप्राइज पर्स्यूइंग टू सिंगल प्लान इज डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन एंटायरिटी, सच एज सेलिंग द कॉम्पोनेंट इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, या डीमर्जर या स्पिन ऑफ, एक ही बात है, ऑफ द कॉम्पोनेंट टू द एंटरप्राइज शेयर होल्डर। कहता हो सकता है कि एक प्लान के जरिए एंटरप्राइज इस कॉम्पोनेंट को बेच रही है सिंगल ट्रांजेक्शन में किसी को, या डीमर्जर कर रही है, कि जैसे एक और कंपनी बना दी, उसे रिजल्टिंग कंपनी कहते हैं, इस वाली को डीमर्ज कह दिया, अब ये बिजनेस उसे चला जाएगा, नो डाउट उसमें शेयर होल्डर को ओनरशिप भी मिलेगी। एक तो ये तरीका, ठीक है, या क्या कर रहे हैं इसमें, आपने देखा कि पूरा का पूरा कट्ठे ही जैसे किसी सिंगल ट्रांजेक्शन में बेच दिया या डीमर्जर कर दिया। और तरीका क्या है बेचने का, हटाने का, डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल, सच एज बाय सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स एसेट एंड लायबिलिटी इंडिविजुअली, सेटलिंग द लायबिलिटी इंडिविजुअली, जैसे वो पार्टनरशिप फर्म टाइप में होता है कि यार कार इसको बेच दी, फैक्ट्री बिल्डिंग इसको चलेगी, फैक्ट्री की मशीन उसको चलेगी, ऐसे कर रहे हो, या टर्मिनेट कर रहे हो थ्रू अबेंडमेंट, या बिल्कुल उसे आप स्लोली स्लोली करके अबेंडन कर रहे हो, मतलब उससे नाता तोड़ रहे हो। तो ये तो बात हो गई कि भाई डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन में पहली पहचान कि भाई या तो उसे पूरा का पूरा सेल कर लिया जाएगा ऐसे कंपोनेंट, या डीमर्जर, या उसका पीस मिल किया जाएगा, या अबेंडन कर दिया जाएगा। अब डीसीओ का दर्जा पाने के लिए और क्या चीजें जरूरी है, बी पॉइंट, दैट रिप्रेजेंट, दैट का मतलब यहां पे ये है सर, डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑपरेशन। कहते ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो अपने आप में एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस था। जैसे मान लो आपकी कंपनी बिजनेस करती है सीमेंट, पेपर, ऑयल एंड गैस, अब इसमें से आपने सीमेंट डिवीजन को बंद करना है, देन इट विल बी ए डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, क्योंकि अपने आप में एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस था। अब छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट में एक्सचेंज करना है, वो डीसीओ नहीं होता, इसके हमने क्वेश्चन भी किए थे। और ज्योग्राफिकल एरिया ऑपरेशन, सेगमेंट दो तरह की होती है, इस तरह याद करो, बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफिकल सेगमेंट, तो ये डीसीओ या तो मेरा बिजनेस सेगमेंट होगा या ज्योग्राफिकल, और इसे हम अलग देखते थे, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। मतलब कि एक बड़ी चीज है भाई ये, छोटा मोटा कोई डिसीजन नहीं है। अब ये तो हुआ डीसीओ, अब क्या डिस्क्लोजर देना है। एंटरप्राइज शुड इंडिकेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डीसीओ इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिगनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच आईडीई अक्कर, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अक्कर। मैंने आपको इसका नाम पहले बताया था, आपको डिस्क्लोजर देने के लिए ये नहीं कि आपके विचार बन रहे हैं, बस थोड़ा बहुत बातचीत चल रही है, छोटी मोटी कोई मीटिंग बुलाई गई है, तब नहीं। जब आईडीई हो जाती है, आईडीई जब हो जाती है, एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, एग्रीमेंट्स एंटर हो जाते हैं डिस्पोज ऑफ करने के, तो आईडीई हो जाती है, आपको पता है। फिर आईडीई होने के बाद जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उसमें आपको ये सारा बताना शुरू करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन या ऑपरेशंस की, कौन सी बिजनेस या ज्योग्राफिकल सेगमेंट है इसमें इन्वॉल्व वो बताना पड़ेगा, डेट एंड द नेचर ऑफ आईडीई, किस वजह से डिस्क्लोजर हो रहा है वो सब बताना पड़ेगा, डेट और द पीरियड इन विच द डिसकॉन्टिन्यूस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट, कितने समय में ये काम पूरा हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट ऑफ द एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड लायबिलिटी टू बी सेटल्ड,
और कितने एसेट डिस्पोजल करने हैं और क्या लायबिलिटी सेटल करनी है ये बताना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, फिर कितनी आपकी कमाई है, कितने आपके खर्चे हैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के रिगार्डिंग, वो भी बताना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ नेट कैश लूज, तो आपने उधर एसेट लायबिलिटी भी बता दिए, आपने इनकम और एक्सपेंस भी बता दिया, आपने प्रॉफिट लॉस भी बता दिए, कैश फ्लो भी बना दिए, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसकी अलग से आपने दे दी शेयर होल्डर को, ताकि भाई कोई भी स्टेक होल्डर जब हमें देख रहा है कि ये कंपनी तो जी सीमेंट पेपर और ऑयल एंड गैस सब करती है, तो हमने उसे अवेयर करा दिया कि भाई हमने अपना सीमेंट वाला बिजनेस तो बेच देना, पर इसमें लगता होता टाइम, ये नहीं कि सीमेंट बिजनेस फॉर सेल ओलेक्स पे ऐड डालनी है और शाम तक बायर आ जाएगा। इतने बड़े बड़े बिजनेस को बेचने में कई बार तीन तीन चार चार साल भी लगते हैं, तो उस दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनती है तो उसमें हम सेपरेट डिस्क्लोजर करते रहेंगे ताकि कल को कोई ये ना कहे जी मुझे बताया नहीं था। हम कहेंगे जी हम तो शुरू से बताते आ रहे थे कि हमारा प्लान बन रखा है इसको बेचने का, आप इसके बगैर ही हमारी वैल्यू लगाओ। ठीक है सर, ये पहला क्वेश्चन था जी। अब इसमें 24 के बाद AS 26 भी आ गया बी पार्ट में। सवाल देखिए जी कैसा, एक्स लिमिटेड कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, कंपनी हैज टू ट्रेडमार्क सन एंड सूर्य। वन मंथ बिफोर द कंपनी नो थ्रू वन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर बोथ ट्रेडमार्क्स हैव बीन एलिजिबली बीन इन्फ्रिंजेंट बाय अदर कॉम्पिटिटर इंगेज्ड इन सेम फील्ड। तो आपके ना दो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट हैं, बेकरी की लाइन है आपकी सन और सूर्य। आपको एक महीने पहले आपके एक मार्केटिंग मैनेजर ने बताया कि दोनों ट्रेडमार्क्स को आपके कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं उनकी बिना आपकी कोई परमिशन लिए। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी इन्फॉर्म्ड इट हैड अ वीक केस ऑन ट्रेडमार्क सन एंड स्ट्रॉन्ग केस इन रिगार्ड टू सूर्य। फिर इस बात को सीरियसली लिया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, और लीगल डिपार्टमेंट बड़ी कंपनियों में होता ही है, उसने कहा कि भाई देखो जो ये मैनेजर साहब कह रहे हैं सन के बारे में तो बात बनेगी नहीं, मतलब उसमें शायद इन्फ्रिंजमेंट का इशू नहीं है, मैनेजर साहब की गलती है सोचने में, और जो सूर्या के बारे में बता रहे हैं वो बात पक्की है, स्ट्रॉन्ग केस है। अब इन्होंने क्या किया कि एक्स लिमिटेड इनकर्ड एडिशनल फी टू स्टॉप द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बोथ। इन्हें लगा कि नहीं नहीं हमें दोनों पे ही केस ठोकना चाहिए, दोनों केसेस पे, सूर्या के लिए भी और इसके लिए भी। दोनों की लाइफ 10 ईयर्स की है, कहता बेटा जी बताओ अब आप कैसे करोगे। सर देखो जो पॉइंट इन्वॉल्व है वो कैच करो, पॉइंट इन्वॉल्व ये है सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर हम पीपीई पे भी पढ़ते हैं, ये तो खैर इंटेंजिबल के इसमें गया ना, और इंटेंजिबल वाले में भी पढ़ते हैं। दोनों में जो क्रक्स होता है सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर का, कि सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या होगा, क्रक्स ये होता है कि नॉर्मली सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाना है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द एसेट। कैपिटलाइजेशन कब हो सकती है वो भी याद कराता हूं सर, इट शुड बी फर्स्ट आइडेंटिफाइबल विद द एसेट। इंटेंजिबल के साथ आइडेंटिफाइबिलिटी बड़ी कम बनती है, इस केस में तो खैर बन रही है। दूसरा, उस एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट शुड गिव द परफॉर्मेंस इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर खर्चा करने के बाद एसेट की परफॉर्मेंस वही रहती है जो दी ओरिजिनली असेस्ड है, जैसा उसे करना चाहिए, तो खर्चा कभी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। बट अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस देगा तो कैपिटलाइज हो सकता है, ये इसमें पॉइंट है सर। बाकी फैसला आपके और इंस्टीट्यूट के हाथ में, आप देखें। एज पर एज 26 सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट आफ्टर इट्स परचेज और कंप्लीशन शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, साफ तौर पर लिख दिया कि खर्चा होता। हाउएवर इफ दी सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर एनेबल एसेट टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिन्हें हम कहते थे FEB, इन एक्सेस ऑफ इट्स ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जितने बेनिफिट्स उसके ओरिजिनल स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस से आने हैं उससे ज्यादा आए, पहली बात जो अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देगा तो नहीं, उससे ज्यादा, और कैन बी मेजर्ड एंड एट्रीब्यूटेड टू एसेट रिलायबली, देन सच सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। मतलब हम इन्हें मेजर भी कर सके इन बेनिफिट्स को, और इन्हें जोड़ भी सके कि हाँ भी इसी एसेट के कारण आ रहे हैं, तो भैया ऐसे खर्चे को कैपिटलाइज कर देते हैं। सर पीपीई में भी यही क्रिटेरिया है, समझे? तो यहां अब बेस तो बहुत अच्छा लिख दिया, जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो बेस बहुत अच्छा चाहिए होता। अब डिसीजन, लीगल कॉस्ट इनकर्ड फॉर बोथ ट्रेडमार्क डू नॉट एनेबल टू जनरेट FEB इन एक्सेस
ऑफ इट्स ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि इन्होंने इसमें ऐसा कुछ नहीं ना बताया कि अगर हम केस जीतते हैं तो फलानी कोई टेरिटरीज भी हम हमारे लिए ओपन हो जाएंगी, हमें ये होगा वो होगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। फाइनल में एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन था, उसमें ये कहानी बना दी थी इन्होंने। तो हम तो अब यही मान के चलेंगे कि भाई जैसे इनसे एक्सपेक्टेड है कि ये जितना काम हमारे लिए निकालेंगे, जितने हमारे प्रोडक्ट बिकने चाहिए वो आप आराम से बिकते रहेंगे, जो इनका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है ये इन्फ्रिंजमेंट बंद होने के बाद। दे ऑल्सो दे ओनली इंश्योर टू मेंटेन देम इन द केस इफ द केस इज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ कंपनी। कहते हैं इन खर्चों से कोई नए बेनिफिट्स नहीं आने वाले, हाँ जो बेनिफिट इनसे आने चाहिए वो मेंटेन रहेंगे। देयरफॉर सच लीगल कॉस्ट इनकर्ड फॉर बोथ द ट्रेडमार्क मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, कैपिटलाइजेशन नहीं हिट हुई। उसने कहा कि इन्हें आप एक खर्चा ही माने, बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसिज टू जस्ट मेंटेन द एसेट, नथिंग एल्स। बियॉन्ड ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, जो ओरिजिनली असेस्ड है वहीं पे रहे हम। ठीक है सर जी, अगला क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो।